वर्धमान होटल के सामने मार्ग में खड़े ट्रकों के ड्राइवरों को मारपीट कर पैसा व मोबाइल लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान भी हुआ जब्त। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजीव पाठक की सतत निगरानी में थाना प्रभारी मोरवा को बड़ी सफलता मिली, जब मुख्य मार्ग में रात्रि में खड़े ट्रक को जबरन पैसा एवं मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। 15 दिन पूर्व थाना मोरवा अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ नकाबपोश रात्रि में वर्धमान होटल के सामने खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर से मारपीट कर मोबाइल एवं पैसा छुड़ा कर भागते हुए दिख रहे थे। सभी ने मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था और कोई भी फरियादी आवेदक थाने में नहीं आया, लेकिन स्वयं थाना प्रभारी मोरवा द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर ड्राइवर से संपर्क कर उसको थाने बुलाया, लेकिन झारखंड में होने के कारण वह नहीं आया एवं मोबाइल पर ही अपने मोबाइल सहित अन्य जानकारी दी, जिस पर एक टीम लगाकर फरार अज्ञात आरोपियों की तलाश की जाने लगी और पुनः लूट डकैती जैसी वारदात करके इससे पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी अभी भी फरार है। सिंगरौली मोरवा से ब्यूरो रिपोर्ट, R9 भारत। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया तहसील में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन निकाला गया। मोहन बड़ौदिया सरस्वती शिशु मंदिर में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ, इसके बाद बौद्धिक दिया गया। तत्पश्चात पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो बस स्टैंड होते हुए नगर भ्रमण करते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर पहुँचा। पथ संचलन का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मोहन बड़ौदिया, जिला शाजापुर से संवाददाता देवेंद्र पिसानी की रिपोर्ट, R9 भारत।